नमस्कार दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने हाल ही में 4 नोटिफिकेशन और जारी किया है, जिसको लेकर के यहाँ अपडेट आपको किया जा रहा है। यहाँ पर स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का जो रिजल्ट है पॉलिटिकल साइंस का भी अभी अभी जारी हो चुका है। इसकी कट ऑफ क्या रही है वो देखते हैं। यहाँ पर जो ये रोल नंबर दिए हुए हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं और टोटल कैंडिडेट कितने पास हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है, यहाँ हम उनको देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट हैं 2 पेज हो चुके हैं। यहाँ पर ये तीसरा पेज है और 1383 जो कैंडिडेट है 1383 कैंडिडेटों को पास किया है यहाँ पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड में। और इसकी जो कट ऑफ है वो अब हम यहाँ पर दी हुई है, उससे पहले दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से ये रिजल्ट जारी किया है। और अंतिम जो रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची है वो दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जारी की जाएगी। और यहाँ कट ऑफ ही इस प्रकार से है, जनरल की बात करें तो 209.13 10/10/1986 और वुमेन की बात करें जनरल में तो 193.66 16 जुलाई 1993 और विडो में NADV में यहाँ 190.31 है 21/2/1992। EWS की जो कट ऑफ रही है वो है 184.6877/1990 विडो और DV में यहाँ NA नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ SC की बात करें तो SC में 159.03/11/1995 कट ऑफ रही है विडो और DV में यहाँ NA दिया हुआ है। और इसके अलावा ST की बात करें तो ST की कट ऑफ SC की बजाय अधिक रही है। यहाँ SC की जो 159.03 है वहीं ST की पॉलिटिकल साइंस में 164.55 10/8/1996 डेट ऑफ बर्थ गई है। और OBC की बात करें तो OBC की कट ऑफ भी 181.92/5/10/1986 रही है। और उसी प्रकार यहाँ MBC की जो कट ऑफ है वो भी 188.88 रही है, अर्थात OBC से बढ़ करके MBC की गई है। और सबसे टॉप पर जो कट ऑफ रही है वो जनरल की है 209.13 और वुमेन की 193.66 रही है। और EWS की भी यहाँ 184.68 रही है। EWS OBC से अधिक है और MBC से कम रही है। तो इस प्रकार से ये कट ऑफ है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ कैटेगरी वाइज इस प्रकार से कट ऑफ दी हुई है। एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट है उनके लिए 144.32/10/5/1987 डेट ऑफ बर्थ रही है। और BLW में ऑलरेडी अवेलेबल इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी और DHH में NA और DWAAV इसमें 166.68/24/5/1996 और ASDMILSLDMUDIS इसमें जो NA दिया हुआ है। तो यहाँ पर NA का तात्पर्य कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर सर्विस रूल, नियमानुसार 40% अंक प्राप्त नहीं करने वाले कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होने के कारण NA लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की अभी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, आप सभी को अपडेट कर दिया है। धन्यवाद।